लीजिए दोस्तों, एक और बड़ा मुकाबला इस समय कुरुक्षेत्र बनाम जींद के बीच। सब जूनियर हरियाणा स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप 2024 और इस वक्त देखते हैं आखिर कौन सी टीम बाजी मारती है। शेफी वापस, टीम की कप्तान आगे चली हैं, साथ का डिफेंस इस वक्त जींद के पास और यहां एंगल होल्ड लाजवाब है जींद का। जींद के जबड़े में इस समय कुरुक्षेत्र, मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ती हुई शुरुआती समय में। अटावला पानीपत हरियाणा में आयोजित है सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2024। कड़ाके की गर्मी, विक्रम महेंद्रगढ़ खिलाड़ी अपना टैलेंट पेश करते हुए। 6 नंबर मानो इस समय बड़ी रन हो सकती है, जी हाँ कामयाबी की ओर मानो, और दो पॉइंट लेकर वापस। उमदा प्रदर्शन ने डू डाई पे इस वक्त जींद। शुरुआती समय खेल का पकड़ मजबूत हो सकती थी लेकिन लक्ष्य तक पहुंचते हुए आखिर जींद के रडर। अब एक नंबर जर्सी से कुरुक्षेत्र की रेडर हवा में कर्तव्य। वेटर भाई मेरी आवाज सुन रहा है, दोनों टीमों के पीछे आप पानी पीने की व्यवस्था करा दें। किक करने की कोशिश, बिल्कुल अंबाला टीम के पीछे व्यवस्था में देख रहा हूँ, पंचकुला टीम के पीछे भी आप पीने के पानी की व्यवस्था करा दें। अंक अर्जित करने में कामयाब, बोनस की कोशिश, बोनस अर्जित करने में सफल रही। मानो फिर से चले हैं टीम की सबसे स्टार और मजबूत रेडर, 4 का डिफेंस, फायदा उठाने की कोशिश होगी। पिछले मुकाबले में बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी आपको बता दें हिसार ने, लेकिन यहां देखते हैं टेकल बहुत बेहतरीन है जींद का और ये अब तक ताकत नजर आई है कुरुक्षेत्र की तुलना में कहीं बेहतर इस समय जी। तापमान 45 डिग्री से ऊपर और इस गर्म हवा के झोंकों के बीच देखिए हरियाणा प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों से प्रतिभावान खिलाड़ी हवा में उड़ान भरने का प्रयास, मगर करेस ग्राउंड पे ही 10-2-10 के मुकाबले, क्योंकि सब जूनियर और गर्मी का प्रकोप भी चरम सीमा पे और अपने ही जाल में फंसे नजरें हटी और घटना घटी वो कहानी यहाँ सच में बदल गई जब बेहतरीन डिफेंस साबित किया जींद ने। ये देखिए नन्ही नन्ही बालिका इस वक्त है। ये वो पौध है, ये वो समय है जहाँ से आगे बढ़ना और सीखना शुरू करते हैं खिलाड़ी। बोनस लेकर वापस लौटे, बढ़त बनाता हुआ इस समय जींद कुरुक्षेत्र के ऊपर। 6 का डिफेंस इस समय नजर आने लगा, एक वक्त 4 के डिफेंस में था, यहाँ अच्छा नियंत्रण इस समय मानो सफल रही। फिर से इधर से भी 6 नंबर की ही बालिका आगे आ रही और यहाँ चारों दिशाओं से खेल लिया बहुत बेहतरीन एंगल होल्ड, पकड़ काफी मजबूत और सशक्त है जिसका फायदा मिलता हुआ कुरुक्षेत्र। अब 4 का डिफेंस एक बार फिर नजर आता हुआ, यहाँ से अंक गवाए तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन पकड़ देखे कितनी थाई होल्ड, जबरदस्त टच में। डिफेंस की बात की जाए तो जींद और उस डिफेंस के आगे फिर से रेडर धरास आई।
टस पॉइंट की अच्छी कोशिश की थी और बहुत नजर जीत लेने में कामयाब। बालिका ओवर के ये मुकाबले आप जो देख पा रहे हैं सभी मैच आप यहाँ देख सकते हैं, बेहतरीन कवरेज और उत्तम क्वालिटी के साथ है मेरा प्रयास कि आप तक पहुँचाने का। और यहाँ हवा में छलांग लगाई लक्ष्य के बेहद करीब, इतना नज़दीक जाकर पिछड़ना बहुत पश्चाताप होगा। हालांकि लाजवाब प्रयास किया, जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। होनार बेटिया इस समय हरियाणा की प्रतिभावान खिलाड़ी। अगले मैचों के लिए शिक्षा ही नहीं, शिक्षा से सेना से लेकर खेत में भी मैच होगा। बालिका हर हाल में और गर्ल्स सेक्शन मैच होगा पलवल वर्सेज रोहतक। पलवल वर्सेज रोहतक गर्ल्स सेक्शन मैच होगा। करनाल वर्सेज जेल पकड़ एक बार फिर से भेज। बॉयज सेक्शन मैच होगा। चारों टीमें बिल्कुल अपने आप को तैयार रखें, बाहर जाना होगा। और बॉयज सेक्शन का जो मैच होगा बॉयज सेक्शन इसके तुरंत बाद और उसके बाद जो मैच होगा हालात लक्ष्य तक बड़ी राइट दो पॉइंट उसके बाद सिरसा वर्सेज पंचकुला गर्ल सेक्शन का मैच होगा। ये टीमें भी बिल्कुल अपने आप को ऑल आउट का खतरा बढ़ सकता है के थल पे पंचकुला के बीच में इसके बाद का मैच होगा। सुपर टेकल में सिर्फ दो खिलाड़ी इस समय डिफेंस फील्डिंग में नजर आते हुए देखे, क्या कवर कर पाएंगे लेकिन अंक गंवाए हैं कहीं ना कहीं। अब अंतिम खिलाड़ी इसके साथ ही हाफ टाइम 6-14 का स्कोर पहले हाफ में, यानी 8 अंक की बढ़त है जिनके पास। और अब ऑल आउट का खतरा के कुछ एक तरह के ऊपर आसान सा अवसर है क्योंकि इकलौती डिफेंडर के रूप में ऑल आउट के साथ ही 3 पॉइंट जींद की झोली में। और स्कोर देखे इस समय 17-6 का, इन 11 अंक की बढ़त है जींद के पास। चौथा मैच और पहले राउंड का ही संपल डीपी जी चलता फिरता कंप्यूटर वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 5 नंबर दसवीं मैच में जींद की बालिका पहुंच जाएंगे और ढाई लगाते हुए बोनस के साथ लक्ष्य अर्जित किया। बहुत ही उमदा और शानदार प्रदर्शन जींद का। 19-6 यानी 13 अंक का फासला, जो जो खेल आगे बढ़ रहा है बढ़त उतनी ही बड़ी दिखाई देने लगी है जींद को। लेकिन इसी बीच मानू ने यहाँ एक अंक अर्जित करने में सफलता पाई। 7वां अंक दूसरे हाफ का पहला पॉइंट कुरुक्षेत्र की झोली में। दाद देनी होगी, एंगल होल्ड, मजबूत पकड़, एक एक अंक हालांकि बोनस देने में सफल रही जींद की रेडर। 20-8 का स्कोर, 12 अंक का फासला। गलती दोहराता हुआ लगातार कुरुक्षेत्र बोनस के साथ अंक गंवाया। 22-8 अब 14 अंक की बढ़त हो चुकी है। उसी का दबाव शारीरिक भाषा से नीचे ये रीड किया जा सकता कि कितने दबाव में है। और ये देखिए सही वक्त पे पुश किया, नजरें हटी तो घटना घटी, बाहर जाना पड़ा। जींद जबरदस्त टच में है, 23 पे पहुंच चुका है, 8 पे अटका हुआ कुरुक्षेत्र। किक करने की कोशिश हवा में और टच पॉइंट यहां 5 नंबर को बाहर भेजा। यानी 16 अंक पीछे अब बढ़त का दबाव कुरुक्षेत्र के ऊपर। कुरुक्षेत्र जो कि इतिहास के पदों में वो स्थल जहाँ पे महाभारत का युद्ध
आरक्षण सेना खपत हुई थी और उसी कुरुक्षेत्र से एक अंशु राजा जीत ले। नन्नी नन्नी बालिकाएं प्रतिभावान बालिकाएं इस वक्त अपना भाग्य आजमाते हुए खेलों की दुनिया में साउंड मास्टर आगे बढ़ने का ये पहला एक माइक और दे दीजिए, क्योंकि स्टेट लेवल है और जिले की ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि ये पहला कदम 10 पॉइंट और टाइम आउट। अंतिम 2 मिनट का खेल शेष, डूडाई पे इस समय कुरुक्षेत्र 27-8 का स्कोर और बाहर भेज दिया आसानी से। अब ऑल आउट का आसान मौका, दूसरे हाफ में दूसरी बार ऑल आउट करता हुआ देखिए इस समय जींद कुरुक्षेत्र को और बेहतरीन ऑफ सेटिंग यहाँ अंपायर के द्वारा। 31-8 23 अंक का पहाड़ जैसा बढ़त इस वक्त है जींद के पास, लेकिन एक टच पॉइंट का दावा यहाँ पे किसी की सफल गाड़ी नंबर है 14-14 ये गाड़ी किसी गाड़ी के आगे आड़ी हुई है। आप कुरुक्षेत्र का आसानी से पहुँचता बाजी 8 नंबर के ओनर मालिक लीजिए। इसी के साथ टाइम ओवर और यह मुकाबला जींद ने बड़े अंतर से जीत लिया है कुरुक्षेत्र को पराजित करते हुए 8-32 24 अंकों के अंतर से यहाँ जींद ने जीत दर्ज की है। कॉन्ग्रेचुलेशंस जींद।